अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब लोग ठीक हो? दोस्तों, मैं भी जो आप लोगों को एक न्यूज़ बता रहा हूँ, जो अभी अभी मुझे पता चला है कि जो भी बंदा जो ये सोच रहा है कि श्रीलंका से होके आने के लिए, सबसे पहले तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो बंदा ये सोच रहा है कि मुझे श्रीलंका से होके आना है, या अगर श्रीलंका का पैकेज करवा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका का जो पैकेज है ना, वो थोड़ा सस्ता है जैसे और सब कंट्री का। जो अगर आप क्वारंटाइन हो के आ रहे हो, अगर मालदीव से आते हो तो आपका 1.5 लाख लग रहा है, और कतर से भी 1,70,000 60,000 ऐसे लग रहा है, और श्रीलंका से जो है वो 1,25,000 रुपये लग रहा है। तो जिसके वजह से ज़्यादातर लोगों जो हैं सोच रहे हैं कि श्रीलंका से होके आ जाएं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि श्रीलंका के अंदर जो कोरोना है वो बहुत ही भयंकर तरीके से वहाँ पर फैल चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, और फ़्लाइटें वगैरह वहाँ पे सब जो है सस्पेंड कर दी जा रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मुझे श्रीलंका से होके आना है, तो मैं आप लोग को बोलूँगा आप श्रीलंका वाला जो सिस्टम है उसको कैंसिल कर दीजिए, श्रीलंका से होके मत आइए, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है और कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पर, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से मत आइए, अगर जो भी लोग ये सोच रहे हैं श्रीलंका से आने के लिए। अभी तक श्रीलंका का सही था, हमारा दोस्त भी जो है जो मेरे साथ रहता है वो भी इंडिया से होके ही आया है, श्रीलंका से होके आया है, इंडिया से आ रहा था, श्रीलंका से होके आया है। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि अगर जो भी बंदा अगर श्रीलंका से आना चाहता है, तो भाई श्रीलंका से मत आओ, ठीक है? वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे कोरोना बहुत बढ़ गया, कर्फ्यू लग चुका है, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पे, ठीक है? अगर आप आना चाहते हो तो आप कतर से या मालदीव से ही होके आ जाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वारंटाइन होके आप डायरेक्ट सऊदी के अंदर आ जाओगे, ठीक है? बाकी आप लोगों को पता ही है कि कोई भी तरीके डायरेक्ट फ्लाइट तो सारी बंद हैं। जिनका 2 वैक्सीन लगा है वो केरला से होके आ सकते हैं, जिनका 1 वैक्सीन है वो क्वारंटाइन होके ही आएंगे, क्योंकि इंडिया ने फ्लाइट को सस्पेंड किया हुआ है, और नए वीज़ा वालों का कोई भी सुनवाई नहीं भाई, उनका कुछ भी नहीं खुला, ना वो आ सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, यही बताना था।